नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बार मैं फिर से पुनः यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो आपके सवाल हैं जो कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करने आया हूं। जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं एक सवाल कि क्या मैं बालक और बालिका दोनों वर्ग में फॉर्म फिल कर सकता हूँ, ठीक है। और भी जो आपको दिक्कत आ रही हो फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं, हम आपका आपके जो सवाल होंगे उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न है कि क्या बालक और बालिका दोनों वर्ग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि मेल कैंडिडेट के लिए एक बात ध्यान रखो, जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट सिर्फ आप बालक वर्ग में फॉर्म डाल सकते हो। किसमें? बालक वर्ग में मेल कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं, बालिका वर्ग में नहीं डाल सकते हैं। कभी गलती भी मत करना कि एक फॉर्म बालक वर्ग से कर देना, एक बालिका वर्ग से कर देना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, किसी में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो फीमेल हैं, ठीक है, जो महिलाएँ हैं वो आपके दोनों वर्ग के लिए एलिजिबल है, मतलब वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग, ठीक है, दोनों में ही फॉर्म डाल सकती हैं। लेकिन क्या है कि आपको किसी एक में डालना है वो डिसाइड करना है, ये दोनों में आपको डालना नहीं है, लेकिन आपको दोनों में आजादी है, आप तो या तो बालक में डालो या बालिका में डालो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है किस में डाल रहे हो। तो कुछ यहाँ पे फीमेल है, जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि मेल में ज़्यादा सीट है, तो मेल में ज़्यादा सीट है तो मेल में डालेंगे तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और यही मैक्सिमम लोग सोचते हैं, ठीक है, यही मैक्सिमम लोग जो महिलाएं है सोचती हैं, तो वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाती हैं, बालिका वर्ग में फॉर्म डालती नहीं है, जिस कारण क्या होता है कि भैया आप कट ऑफ उठा के देख लो, बालिका वर्ग में हर सब्जेक्ट की कट ऑफ बालक वर्ग की अपेक्षा कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कट ऑफ हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको कंपटीशन देने वाले लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ पर आपकी अपेक्षा आपकी महिलाएं ही रहेंगी, बाकी पुरुष वर्ग नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से मेरा यही मानना है, यही राय है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बालिका वर्ग में ही फॉर्म डालें, दोनों में नहीं डाल सकती, ये ध्यान रखें, लेकिन दोनों में उनको एलिजिबल किया गया कि आप या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो, और पुरुष को सिर्फ भाई बालक वर्ग में ही डालना है। साथ ही साथ बालिका वर्ग में आप अगर आप फीमेल हो और बालिका वर्ग में डाल रहे हो तो कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, जैसे कला वाले में क्या होता है, साफ साफ लिखा आप जब एलिजिबिलिटी में जाओगे कि जो प्राविधिक कला का जो ज्ञान है, अगर आपने इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला नहीं पढ़ा है, चाहे आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया है बॉम्बे आर्ट चाहे और भी जितने भी उसमें सर्टिफिकेशन दिया है, तभी भी आपको बालिकाओं वालों को छूट है, साफ साफ नोटिस में नोट करके आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा है, तो वो छूट आपको यहीं पर मिलेगा जब आप फीमेल का होकर बालिका वर्ग में अप्लाई करोगे। अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई करोगे तब वो छूट नहीं मिलेगा प्राविधिक कला वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके डाउट क्लियर हो गए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इस संडे को, इस रविवार को जो आने वाला आपका रविवार है, इसमें परीक्षा प्लस टीम जैसा आपको 6 तारीख को बताई थी कि भैया हम हर संडे एक स्पेशल टेस्ट कराएंगे, इसमें हम टीजीटी पीजीटी भी कराएंगे, पीसीएस के भी टेस्ट होंगे, पेट के भी होंगे, कांस्टेबल के भी होंगे, तो हम लोग हर संडे में 2 या 3 टेस्ट कराएंगे। तो इस संडे में 2 टेस्ट रखे गए हैं, 19 जून को 11 बजे से टेस्ट आपका शुरू होगा, लाइव टेस्ट होगा, इस बार पेट का टेस्ट होगा, UPSSC PET का और रेडियो ऑपरेटर का टेस्ट होगा, ठीक है, टाइम आपको बता दिया जाएगा, 19 जून से ये टेस्ट लाइव होगा, मतलब संडे को लाइव होगा, और उसी दिन जो इस टेस्ट के टॉपर होंगे उनको कैश रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, कैश रिवार्ड प्राइज आपको दिया जाएगा। तो आप जितने लोग भी हो पेट की तैयारी कर रहे हो, रेडियो ऑपरेटर की या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, और आपको कैश रिवार्ड जितना है, आपको टेस्ट अपनी तैयारी को परखना, आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हो, और आपको सिर्फ टेस्ट देना है, अपनी तैयारी को जांचना है कि मेरी तैयारी कितनी है, तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है, संडे स्पेशल टेस्ट में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक, वहां पे आपको टेस्ट दिखेगा, फ्री वाला टेस्ट, 19 तारीख को टेस्ट जब लाइव होगा तो आप टेस्ट दे सकते हो 11 बजे से, और उसी दिन आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद एनालिसिस के साथ, ठीक है, और जो भी क्वेरी आपको रिलेटेड हो किसी भी एग्जाम से
कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।